नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो एक बार फिर से दोस्तों, राजस्थान RAS भर्ती में दोस्तों असमंजस वो बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा पहले भी पोस्टपोन हो चुकी है, दोबारा से दोस्तों परीक्षा तिथि स्थगित होने को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। राजस्थान RAS की जो भर्ती है दोस्तों, लगभग 3 साल बाद दोस्तों आपके लिए निकाली गई थी। 900 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती दोस्तों, इसके लिए 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। लेकिन दोस्तों अब ये भर्ती दोस्तों आपकी जो है पोस्टपोन होने वाली है, दोबारा से इसको लेकर अपडेट है दोस्तों। पटवारी और RAS परीक्षा में सिर्फ 2 दिन का अंतराल है, अभ्यर्थी परेशान है। एक भर्ती की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, या तो पटवारी में या फिर RAS में बदलाव किया जाए। पटवारी में बात करूँ तो दोस्तों 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, RAS में 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो इसको देखते हुए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी की अभी एग्जाम डेट फिक्स है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है ना तो पटवारी का ना ही RAS का, क्योंकि RAS प्री की परीक्षा 27 अक्टूबर को आयोजित होगी। इन दोनों भर्तियों के लिए हजारों स्टूडेंट ने आवेदन किया है। जी हाँ दोस्तों, पटवारी और RAS दोनों के लिए आवेदन किया है। तो ऐसे में स्टूडेंट कन्फ्यूज है कि कौन सी एग्जाम दें कौन सी ना दें, जबकि दोनों की तैयारी उन्होंने की है। इसलिए वे चाहते हैं कि इसे भर्ती परीक्षा में गैप दिया जाए, जो RAS की परीक्षा है उसको आगे कराया जाए या फिर पटवारी को आगे किया जाए। लेकिन दोस्तों अभी सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। RAS की जो एग्जाम है दोस्तों, बहुत ही कम चांसेस हैं आयोजित होने के। ना तो RAS के एडमिट कार्ड को लेकर कोई अपडेट है, ना ही दोस्तों आपकी इसकी एग्जाम सेंटर को लेकर अपडेट है, क्योंकि इसके एग्जाम सेंटर भी बुक किए जाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी दोस्तों जो है मुश्किलों का यहाँ पर दोस्तों देखा जा रहा है, जैसे कि चुनाव भी हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी जगह पर चुनाव हैं और JET नेट का भी एग्जाम है दोस्तों, जो आपके आयोजित हो रहे हैं, जो आपके लगभग 27 अक्टूबर तक ही चलेंगे दोस्तों, 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। और पटवारी का एग्जाम है, जैसे में दोस्तों काफ़ी सारे जो RAS की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, चुनावों में ड्यूटी लगेगी। 26 तारीख तक चुनाव भी हैं धौलपुर और अलवर विधानसभा में। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो कैसे आयोजित होगी, इस पर कन्फ्यूजन बना हुआ है। और आज दोस्तों इसको लेकर मीटिंग भी आयोजित हुई थी, लेकिन मीटिंग में कोई खास निर्णय नहीं आया। इसके तुरंत बाद RAS परीक्षा होगी दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए मैच 2 दिन का ही समय मिलेगा। जयपुर के रविंद्र चौधरी सेठ मुमला का कहना है कि 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथि इतनी नज़दीक रखना गलत है, दोनों का सिलेबस अलग है, तो ऐसे में अभी ठीक से तैयारी नहीं कर पाते हैं। सरकार को चाहिए कि वो एक परीक्षा तिथि में चेंज करे। और जो RAS की चेंज होने की सबसे ज़्यादा संभावना है दोस्तों, RAS की परीक्षा आपकी जनवरी या फिर फरवरी 2022 में दोस्तों आयोजित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जनवरी या फिर फरवरी में आयोजित होने की अपडेट है। अब देखना होगा दोस्तों कि सरकार की तरफ से ऑफिशियली नोटिस कब आता है। RPSC इस परीक्षा को आयोजित कराती है, RAS की जो भर्ती परीक्षा है दोस्तों, और ये 3 साल बाद आपके लिए भर्ती निकल के आई है। वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक आपकी बातें पहुँचे दोस्तों, और राजस्थान RAS की सभी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले जाए। हिंद, वंदे मातरम।